हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। हमारे छोटे से बेबीज को जब हिचकी होती है तो हम एज पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि बेबी को क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बेबी को कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये सारे सवाल हमारे मन में चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबीज़ को हिचकी क्यों होती है, क्या ये नॉर्मल है, एंड एज पेरेंट्स हम कैसे बेबीज़ की हेल्प कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को हिचकी क्यों होती है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे एक मसल होता है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। जब ये मसल इरिटेट होता है किसी भी रीज़न से तो हिचकी होती है। ये नेचुरल रिफ्लेक्स है बॉडी का। अब बात करते हैं कि ये डायफ्राम इरिटेट क्यों होता है। मेजर रीजन इस डायफ्राम को इरिटेट होने का होता है कि जब बेबी का जो स्टमक है वो फूलता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो वो फूला हुआ पेट डायफ्राम को जाके दबाता है, बिकॉज जगह तो थोड़ी सी ही है, वो डायफ्राम को दबाता है, जिसकी वजह से हिचकी आती है जो हमें लगता है कि बेबी को काफ़ी परेशान कर रही होगी। तो सवाल ये है कि क्या हिचकी जेन्युइनली बेबी को परेशान करती है। 99% केसेस में हिचकी होना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे बेबी की एज बढ़ती है, जैसे बेबी का सिस्टम मैच्योर होता है, जैसे हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना सीख जाते हैं, ये हिचकी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नॉर्मली हिचकी की प्रॉब्लम को एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें येस आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मेरे बेबी को हिचकी की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि डायफ्राम मसल इरिटेट होता क्यों है। देखिए, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे कॉमन रीज़न इसका होता है पेट में हवा का ट्रैप हो जाना। अब काफ़ी सारे रीजन से बच्चों के पेट में हवा ट्रैप हो जाती है। हमने बेबी को फीड कराया, उसके बाद बर्प नहीं कराया तो हवा फंस गई। हमने ऐसी बॉटल यूज़ करी जो एंटीकॉलिक नहीं है, हवा फंस गई। बॉटल को हम इस तरीके से दे रहे हैं कि उसमें दूध के साथ हवा रही है, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, हवा फंस गई। काफी सारे रीजंस की वजह से बच्चों के पेट में हवा ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेट है वो हवा की वजह से फूल जाता है और वो डायफ्राम को इरिटेट करता है। दूसरा रीजन होता है ओवर फीडिंग। स्पेशली बॉटल फेड बेबीज के केस में ओवर फीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमने बॉटल को पकड़ा होता है और बेबी पीता जाता है, पीछा जाता है, स्पेशली जब बेबी ड्रीम फीड कर रहा हो और बेबी फुली अटेंटिव ना हो। तो तब क्या होता है कि पेट में जितनी जगह है पेट उतना दूध ले लेता है और बाकी के दूध को वापस पुश मारता है, तो वो उस पुश मारने के टाइम पे भी आपका डायफ्राम मसल इरिटेट होता है। तीसरा रीजन है फास्ट फीडिंग। कई बार बेबीज को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो बहुत जल्दी जल्दी दूध पी रहे होते हैं, और वो जल्दी पीने के चक्कर में उनका डायफ्राम मसल इरिटेट हो जाता है। एंड लास्टली प्रीमेच्योर बेबीज के केस में आप देखोगे कि उनको हिचकी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये तो हो गए रीजंस। अब बात करते हैं कि हम एज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बर्प द बेबी। जितना हो सके बेबी को बर्प कराइए। जरूरी नहीं है कि बेबी का बर्प इमिजिएटली फीड के बाद आ जाए। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करते रहिए, बेबीज को फीड के बीच में बर्प कराइए। स्पेशली जिन बेबीज को ये गैस ट्रैप होने की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको आप बार बार बर्प कराने की कोशिश जरूर कीजिए। आप जितना अच्छा बर्प कराएंगे उतना ये हवा ट्रैप होने की प्रॉब्लम कम होगी। दूसरा है बेबी की फीडिंग पोजिशन चेक कीजिए। बेबी को आप अपराइट पोजिशन में फीड कराइए, चाहे आप अपने हाथ को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, चाहे फीडिंग पिलो यूज कीजिए, चाहे घर का नॉर्मल पिलो यूज कीजिए, बट बेसिकली बेबी का जो सिर है वो ऊपर की तरफ हो और बॉडी नीचे स्लांट हो रही हो, जिससे दूध आराम से बेबी के पेट में नीचे जा सकता है और हवा ट्रैप होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अपराइट पोजिशन में फीड कराइए, और उसके बाद जब आप बेबी को होल्ड करते हैं बर्प के लिए, तब भी उसे अपराइट पोजिशन में होल्ड कीजिए। जो बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं, आप देखोगे उनके साथ हिचकी की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि आप फीड के बाद उन्हें सीधा बिठा सकते हो, तो आराम से उनका जो सिस्टम है वो फीड को प्रोसेस कर लेता है। बट अगर आपका बेबी छोटा है तो आप उसे अपने कंधे पे ले लीजिए, अपराइट पोजिशन में बर्प भी आ जाएगा और फीड भी आराम से सेटल हो जाएगी। तीसरा टिप है छोटी फीड्स कराइए। स्पेशली अगर आपका बेबी बॉटल फेड है तो एक बार में बहुत ज्यादा फीड नहीं कराइए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कब उसको ओवर फीडिंग हो रही है। छोटी फीड्स कराने से क्या होगा कि बेबी को ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम होगी, दूध वापस नहीं आएगा। कई बार बच्चों को जो साथ में फटा हुआ दूध आ जाता है एक्सेस फीडिंग की वजह से, वो भी प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगा। चौथा टिप है अपनी बॉटल्स को चेक कीजिए, एंटीकॉलिक बॉटल्स यूज कीजिए, एंड मेक श्योर अगर आपका बेबी 100% बॉटल फेड है तो हर 3 महीने में आप अपनी बॉटल्स को चेंज कीजिए।
नेक्स्ट टिप है पेस्ट फीडिंग। पेस्ट फीडिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं अलग से, आप वो जाके देख सकते हो। पेस्ट फीडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चे को बॉटल से फीड कराते हैं, बट खुद बॉटल को कंट्रोल करने की बजाय हम बच्चे को बॉटल को कंट्रोल करने देते हैं। तो हम बच्चे को अपराइट पकड़ते हैं, बॉटल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पकड़ते हैं, वो फ्लोर से हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और जो बॉटल का निप्पल है वो बेबी के लिप्स पे लगाते हैं। तो बेबी क्या करता है कि वो निप्पल से दूध सक करता है उसी तरीके से जैसे वो ब्रेस्ट से दूध सक करता है। तो इस केस में क्या होता है, बेबी उतना ही दूध खींचता है जितना उसके पेट में जगह है, वो एक्सेस फीडिंग नहीं करता, ओवर फीडिंग नहीं करता। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप बेबी को बॉटल से दूध पिलाते हैं तो जो निप्पल होता है बॉटल का वो हमेशा दूध से भरा होना चाहिए। अगर आप बॉटल को इस तरीके से पकड़ेंगे कि थोड़ा सा दूध है और थोड़ी सी जगह है बाकी खाली, तो वहाँ से हवा जो है बच्चे के पेट में घुस जाती है। अगेन जो हिचकी की प्रॉब्लम, बर्प की प्रॉब्लम, पेट गैस की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें क्रिएट करती है। अगला टिप है पैसिफायर्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बेबी बॉटल फेड है तो बेबी को पैसिफायर काफ़ी सूद कर सकता है, क्योंकि बच्चों में एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है सकिंग का, ब्रेस्ट फीडिंग में आपको वो जाता है, बट अगर आपका बेबी बॉटल फेड है तो आपको वो नहीं मिलता। तो क्या होता है कि वो काफी जाके बच्चे के सिस्टम को सूद कर देता है। ऑल्दो पैसिफायर्स को छुड़वाना मुश्किल होता है, बट इट इज टोटली योर चॉइस। एंड लास्ट टिप मैं आपको दूंगी कि बी पेशेंट ड्यूरिंग हिकअप्स। बच्चे को हिचकी आ रही है, आप पेशेंस रखिए, 10 से 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा घबरा रहे हैं, बच्चे को इतना डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, आप ये देखेंगे। इनफैक्ट आप जो कर सकते हो उस टाइम पे बच्चे को थोड़ा एंगेज कर लो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लो, जिससे उसकी हिचकी खत्म हो जाएगी। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप हिचकी के दौरान बच्चे की हेल्प कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि कब एज अ पेरेंट मैं समझूं कि ये एक अलार्म है, मेरे बच्चे को जो हिचकी आ रही है वो नॉर्मल नहीं है। तो देखिए कुछ साइंस होते हैं, अगर आपको ये साइंस अपने बेबी में दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को इमिजिएटली कंसल्ट कीजिए। सबसे पहला, हिचकी बहुत ही लंबी चलती है, चले ही जा रही है, या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके बेबी को हिचकी आती है, या फिर आपका बेबी हिचकी के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होता है, बहुत क्रैंकी, बहुत फसी होता है, या फिर हिचकी की वजह से बेबी फीड ही नहीं ले पा रहा है, तो इन सब सिनेरियोस में आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली डिस्कस कीजिए। ऑल्दो मैं बिलीव करती हूं कि उसमें भी मेजॉरिटी केसेस में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जस्ट इन केस भी अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो उसे टाइम पे चेक करा लेना ही हमारे लिए जरूरी है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। हिचकी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी पेरेंट्स को काफी कंसर्न कर देती है। एज अ मॉम ऑफ टू मैं ये समझ सकती हूँ, इसलिए आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड सिंस आप एक न्यू पेरेंट हैं, तो एक और टिप आपको दूंगी। आप अमेजोन पे एक ब्रांड चेक कीजिए, प्लम बनी, जहाँ पे आपको न्यूबॉर्न एसेंशियल्स मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया। बाय बाय गाइस।